लॉ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन समाज चंद्रपुर की ओर से लॉ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन समाज भवन का उद्घाटन समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर उद्घाटक के तौर पर तो वही अध्यक्ष के तौर पर विधायक नाना श्याम कुले, प्रमुख अतिथि के तौर पर विधायक अमोल सोले, अध्यक्ष लॉ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पास्टर सुनील जॉर्ज कुमार, सुभाष कासन गोचुवार और अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों के हाथों लॉ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन समाज भवन इस फलक का उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात लॉ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन समाज भवन का फीता काट कर उपस्थित मान्यवरों के हाथों उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और छाया चित्र भेंट देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम दौरान उपस्थित मान्यवरों ने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र चाहे जो भी हो, हमने हमारे कर्तव्य के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। सत्ता पक्ष अपने कार्य को बखूबी निभा रहा है। साथ ही इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री ने देश के संविधान की सराहना करते हुए एकता का संदेश प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवर ज्येष्ठ नागरिक और समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल थे। आपकी भाषा में निश्चित ही वो आप लोगों ने निवेदन दिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सभी समाज को काम करना चाहिए और उस हिसाब में 10 लाख रुपए की यहाँ पर मान्यता दी थी। और उसके बाद में हमारे साथी मित्र विधायक श्री अनिल सोले जी ने भी आपको 10 लाख रुपया दिया। लैंड प्रॉब्लम था और लैंड आपने परचेस की, कुछ यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपने भारी योगदान दिया है समाज के ओर से। और इतनी अच्छी सुंदर इमारत बनी है जिसका हमने अभी यहाँ पर उद्घाटन किया है। मैं आप लोगों की सभी इस साक्ष्य के साथ में सम्मान्य नाना भाव श्याम कुले, सम्मान्य श्री आमदार अनिल सोले जी, कुंठा जी और स्वतः यहाँ पे काम देखने वाले सुनील कुमार जी, मास्टर सुनील कुमार जी की उपस्थिति में इस सभागृह का उद्घाटन हुआ, इसी में घोषणा भी करता हूँ। मैं दो बातें अवश्य कहूंगा। हम विधायक बनते हैं या सांसद बनते हैं, विधानसभा रहे, लोकसभा रहे, विधान परिषद रहे, राज्यसभा रहे या नगर सेवक से लेके कोई भी क्षेत्र में हमें जब काम करना है तो हम जो चुन के आने के बाद में या उम्मीदवार के रूप में हम सभी को अपना समझकर वोट मांगते हैं और अपना समझकर आगे का जीवन जीते हैं। यह हमारा धर्म है, कर्तव्य। एक दूरियां निश्चित कम हो जाती है कि लोगों की भावनाएं भी जो थी आज नहीं है। कि जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, चाहे मुस्लिम हो या ईसाई हो, इनके प्रति पार्टी का रुझान कम है, प्रेम कम। लेकिन ये धीरे धीरे साबित हो चुका है। एक हमने यहाँ हॉल के लिए 20 लाख रुपए दे, इसलिए नहीं, ऐसे कई मौके आते हैं, ऐसे समय आते हैं, प्रसंग आता है कि उसमें से हम अल्पसंख्यक भाइयों के दूरियां कम करने में हमारी पार्टी सफल हो गई। तो हम जानते हैं चंद्रपुर में रहने के बाद में भी नाना बाबू रहे या सुधीर जी रहे या मैं रहूं या हमारे कार्यकर्ता रहे, अनिल सोले जी नागपुर बैठते हैं, नितिन गडकरी जी नागपुर बैठते हैं, हमने ये कभी महसूस होने नहीं दिया कि हमें अल्पसंख्यक भाई मुस्लिम या ईसाई हो या और भी, इनको हम कम समझते नहीं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है जो बहुत चल भी रही है, उसका घोष वाक्य है सबका साथ सबका विकास। अभी सबका साथ में कौन आते हैं और सबका विकास में कौन सा क्षेत्र आता है, कौन सा व्यक्ति आता है, कौन सा वर्ग आता है, कौन सी जात आती है, कौन सा धर्म आता है, सभी को कवर किया है दो बातों में। और इसलिए सत्ता में जाने के बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश पे एक नई दिशा दी और इतनी अच्छे तरीके से काम करने लगे हैं कि अल्पसंख्यक भाइयों में
ये धारणा बन चुकी है कि अभी हम सुरक्षित हैं, हमें असुरक्षित रहने की